में तो वॉइस बहुत ही क्लियर आ रही थी। और बात करें रोड के कागज़ हैं इसके, रोड का पैकेज, इसे और निकाल लेते हैं। कहता जो गुड़गांव गया हुआ था, ये आया हुआ था अपना पैर, जैसे कि कोर्ट से एक नोटिस आया हुआ। हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आइयो, बहुत ही बढ़िया होंगे आपका, बिल्कुल ठीक है। तो गाइस, जैसा कि मैंने आप लोगों को इससे पहले दिखाया था, जो गुड़गांव गया हुआ था, ये आया हुआ था अपना पैकेज। ये अपना हैगा, एक तो मैंने कनेक्टर मंगाया है जो कि बताऊंगा आप लोगों को, बने रहो इस ब्लॉग के साथ। ये है अपना रोड का माइक, तो म्यू, तो पहले इसे दिखाता हूँ। ये देखो, आप लोगों ने देख लिया होगा इसे, चलो साइड में रखते हैं, बात करते हैं इसकी। ये क्या चीज़ है ऐसी? देखो, ऐसे आया है जैसे कि कोर्ट से एक नोटिस आया हो अमेजोन से। ये छोटा सा पैकेज है, इसे फाड़ देते हैं। वही वाह, एक आया है अपना छोटा सा कनेक्टर, जो कि 100 रुपीज़ का है। मैंने रोड का मंगाया है नहीं, मैंने चलो स्टार्टिंग में इसे ट्राई करके देखते हैं। देखो, अब इसके अंदर दिखाता हूँ और इसका पिन दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। जैसा कि GoPro में बात करी जाए तो सपोर्ट नहीं करता, ये 3 पिन है इसके अंदर, देख रहे हो ना, 3.1 और ये है 2। तो इसे हमने मंगा लिया है, अब इसे कनेक्ट करके हम रोड पे इसकी लेंगे टेस्ट ड्राइव अपने माइक की, जैसे कि वॉइस कैसी आ रही है। मैंने फ़ोन में लगा के देख लिया था, फ़ोन में तो वॉइस बहुत ही क्लियर आ रही थी। और बात करी जाए इस कनेक्टर की, तो इस कनेक्टर को हम यहाँ पर करेंगे सेट और इसे लगा देंगे इधर। तो ऐसे हो गया अपना एक कनेक्टर सेट, और इसे हम लगाएंगे GoPro में, जो कि मैंने अभी सोनी वाला माइक है अपना, वो यूज कर रहा था। तो इसे करते हैं फटाफट, अनबॉक्सिंग तो हो ही चुकी है, अब इसका टेस्ट ड्राइव लेते हैं, छोटा सा एक है, बने रहो इस ब्लॉग के साथ, बहुत ही तगड़ा मजा आएगा। देखते हैं हम भी स्टार्ट करके कि इसकी वॉइस कैसी आ रही है और कैसी नहीं, और आप लोगों को भी सुनाता हूँ इसकी वॉइस में, ठीक है ना। मैंने बताया आप लोगों को, माइक तो मैंने मंगा चुका है, माइक आ चुकी है अपनी। ये कपड़ा गीला हो चुका है यार, इसे निचोड़ देते हैं। तो माइक का लेते हैं रोड पे टेस्ट ड्राइव, बाइक पे देखते हैं कैसी आवाज़ आती है कैसी नहीं है। फटाफट बेबी टाइगर को स्टार्ट करते हैं, जैसा कि मैंने साफ कर दिया, देख रहा हूँ चप्पल में ही, और ये देखो तुम्हारे भाई के लग गई चोट बृहस्पतिवार को, ये बहुत तगड़ी वाली चोट लगी, पैर में भी काफ़ी दर्द हो रहा है मेरे यार। तो बेबी टाइगर में की लगा दिया था, अभी से लेते हैं पीछे। और टाइम हो चुका है 5:03, तो मैंने चलो यार संडे राइड पे जाना है, मैंने उससे पहले इसकी टेस्ट ड्राइव ले लेते हैं। तो चलें किस साइड, ये देखते हैं, तो मेन रोड पे चलेंगे, मेन रोड पे चलते हैं। कैसी आ रही है कैसी नहीं, तो आज तो है सैटरडे, हो सके तो हम कल जाएंगे संडे राइड पे। तो मैंने कल से पहले अपना टेस्ट ड्राइव छोटा सा एक कर लेते हैं, तो अभी मेन रोड पे भगाएंगे इसे। हाथ में यार बारिश की वजह से ना हाथ भी स्लिप कर रहा है, और ब्रेक थोड़ा स्लो लग रहा है, तो इसे फास्ट मुझे लगता नहीं चलाना चाहिए, लेकिन मेन रोड पे चलाएंगे, खाली मिल सकता है रोड। तो भाई अपना फ़ोन पे लग के बाइक साइड में मोड़ रहा था, बस तो ऐसे ड्राइव करते हुए ना फोन पे बात करनी नहीं चाहिए। 5 बज चुके हैं इस टाइम, और शनिवार का दिन है, हमारे साइड चारों तरफ सोसाइटी है, तो इस वजह से वाहन बहुत चल रहा है भाई साहब। बाइक देख रहे हो, कार देखो भाई साहब, दोनों साइड से, तो इसकी वजह से काफ़ी मुझे दिक्कत, लोगों ने कहा अपने रुद्र भाई, उन्होंने भी कहा था कि वॉइस भाई यार क्लियर नहीं आ रही, वॉइस का कुछ कर। तो मैंने भी मंगा लिया रोड का माइक, किस्त पे ही मंगाया तुम्हारे भाई ने यार, फास्ट करके वॉइस कैसी आ रही है गाइस आप लोग बताना मुझे, और कि वॉइस क्लियर आ रही है या नहीं। तो इस टाइम में हूँ भाई साहब हाईवे पे, ये रोड अपना सीधा ताज हाईवे जाएगा, और इस टाइम चल रही है अपनी बाइक 74 के स्पीड में। बारिश ने ना भाई साहब पूरे रोड को गीला कर रखा है, मैं इस वजह से सही से तेज़ चला नहीं पा रहा बाइक ज़्यादा, क्योंकि मुझे खतरा सा लग रहा है हल्का सा, अगर मैंने ज़्यादा तेज़ चलाई बाई चांस मेरा ब्रेक स्लिप किया तो तुम्हारे भाई का हो जाएगा काम तमाम, फिर 2-3 महीने के लिए छुट्टी मेरी ब्लॉगिंग से, तो इसलिए मैं थोड़ा अपने हिसाब से चलाता हूँ बाइक, वॉइस भी जाहिर सी बात है अच्छी आएगी। चलो ले के ऊपर वाले का नाम बताते हैं इसे, 60+70+90 90 90 90 90 90 बच गया मेरा भाई,
बॉयस यार मेरे हिसाब से तो क्लियर ही आनी चाहिए जहाँ तक मेरा अंदाजा है, और देखते हैं यार उसके बाद। तो गाइस चलते हैं वापस अपने मंजिल की ओर, क्योंकि कल के लिए भी तैयारी करना है हमें संडे राइड के लिए। अभी तो हम चल रहे हैं घर, ठीक है ना, घर क्या सिटी प्लाजा चलते हैं थोड़ा काम से, फिर उसके बाद घर चलेंगे। आप लोग बताना कि वॉइस कैसी आ रही है और कैसा आ रहा है दोनों भाई लोगों के लिए। मेरे हिसाब से तो वॉइस अच्छी आ रही होगी यार, यानी बढ़िया 90 तक पहुंचा दिया, 90 पे भी वॉइस अच्छी आ रही है मेरे भाई। और एक बार घर पर चल के सुन ही लेंगे, और आप लोगों को भी, जैसा कि आप लोगों को भी अच्छा ही लगेगा मेरा भाई, क्या नहीं। पहले चलना है सिटी प्लाजा, सिटी प्लाजा से जैसा कि मैं आया था वापस चलना है, थोड़ा सा काम है उस काम को निपटा के फिर जाऊंगा मैं घर। अभी दोबारा से चलते हैं सिटी प्लाजा। और आप लोगों का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो भाई लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है ना। बहुत सारा प्यार दो इस ब्लॉग में आप लोग, है ना, बस आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है मेरे भाई यार। बस अगले साल मुझे एक बाइक लेनी है यार, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो मेरे ब्लॉग को और फैला दो दबा के, क्योंकि भाई 2024 में एक बाइक लेनी है आपके भाई को, जो कि मैंने सोचा है सुपर के लिए। अब देखते हैं ऊपर वाला जो दिलवा दे उसमें खुश रहेंगे हम, ठीक है ना। और तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खाते पीते रहो, ज़बरदस्त रहो, तो ठीक है गाइस, खुश रहो, आबाद रहो, अपने गोड सिटी 2 में रहो, चाहे गाजियाबाद रहो। टाटा बाय बाय, सब्बा खैर आप लोगों को, ठीक है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मेरे दोस्तों। जैसा कि बेबी टाइगर को लगा दिया साइड में पार्किंग में, ठीक है ना।